गुड मॉर्निंग माई स्टूडेंट्स सो टूडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैंने आपको बताया था पढ़ाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दो मॉलिक्यूल्स डेट कंटेन्स कार्बन एटम्स विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से कंबाइन होते हैं एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं ऐसे एटम्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स मिल जो कंपाउंड का निर्माण करते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड और सिंपल सा सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इज नोन एज ए हाइड्रोकार्बन नाम से ही समझ मारा हाइड्रोकार हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज ए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फर्दर जब हम आगे मूव करते हैं कि वॉट आर द बेसिक क्लासीफिकेशन मूड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कार्बन स्केलेटन के बेस में को के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ़ कार्बन स्केलेटन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो प्रकार से बांटते हैं एक साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक नाम से समझ में आ रहा है कि इट्स एन ओपन चेन कंपाउंड सॉरी साइक्लिक मींस क्लोज चेन कंपाउंड और वहीं जब हम बात करते हैं साइक्लिक इट ओपन चेन कंपाउंड तो लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट जब हम देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ए साइक्लिक एंड साइक्लिक ए साइक्लिक मीन्स साइकिल जिसमें नहीं है एब्सेंस ऑफ साइकिल मीन्स उसकी कार्बन की चेन कैसी है ओपन चेन खुली श्रृंखला वाली है दूसरा क्लासिफिकेशन है साइक्लिक साइक्लिक मीन्स क्लोज चेन कंपाउंड्स क्लोज चेन कंपाउंड साइकिल कंपाउंड साइकिल कंपाउंड और इसी कंपाउंड्स को कहते हैं रिंग कंपाउंड्स जब हम साइकिल कंपाउंड में साइकिल कंपाउंड्स या फिर क्लोज चेन कंपाउंड्स की फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो यह दो प्रकार से वर्गीकृत होता है जिस तरह हम सॉल्यूशन को टू टाइप्स में बांटते हैं होमोस जीनस सोलूशन एंड हेट्रो जीस सोलूशन और यहाँ विलियन के जगह जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड्स और फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और फर्दर होमोसाइक्लिक को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा सब कैटेगरी है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और वहीं पे एरोमेटिक कंपाउंड्स को फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं एक बेंजियोनाइट कंपाउंड विच कंटेन्स बेंजीन एंड दूसरा जो कैटेगरी है नॉन बेंजियोनाइट ऑर्गेनिक so, कंपाउंड्स की की तो जो कार्बनिक रसायन है कार्बनिक है उसको दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं श्रृंखला खुली है कि बंद है खुली है कि बंद है अगर खुली है इट मींस ओपन चेन कंपाउंड से ए साइक्लिक कंपाउंड और अगर बंद है साइक्लिक फॉर्म में है तो उसे हम कहते हैं क्लोज और इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग चैन कंपाउंड फर्दर साइक्लिक कंपाउंड्स दो प्रकार से वर्गीकृत होता है एक होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और होमोसाइक्लिक फर्दर दो टाइप्स में एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक मींस बेंजीन तो बेंजीनोइड कंपाउंड एंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स सो तो, हियर बी आर यहां देखिए देखते ही देखते हम क्या देखते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड जिसमें साइकिल है ही नहीं इट मीनस वो कंपाउंड कैसा होगा ओपन चेन कंपाउंड कैसा होगा ओपन चेन कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड्स का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एटम्स इन दियर मॉलिक्यूल्स, कार्बन एटम्स इन देर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ ए ओपन चेन ओपन चेन खुली श्रृंखला में कार्बन एटम्स की एक चेन बनी है जो कि ओपन चेन हैं ऐसे कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं और इन्हीं कंपाउंड्स को हम एल साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं तो ओपन चेन कंपाउंड्स किस तरह बन सकते हैं इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए टू टाइप्स एदर इट मे बी स्ट्रेट और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रांच चेन कंपाउंड सो स्ट्रेट चेन कंपाउंड की जब हम बात करते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंडस के एग्जाम्पल्स हैं नॉर्मल ब्यूटीन जिसमें चार कार्बन आइटम्स हैं और ब्यूटेन टू इन यहां से देख रहे हैं चार कार्बन एटम्स हैं पहला नंबर कार्बन से मेथाइल से ले लेते हैं तो वन टू थ्री फोर तो ब्यूट टू इन और वहीं पे जब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में तो ट्रिपल है मीन्स एल्किन एल्काइन पहला जो है सिंगल सिग्मा बॉन्डेड है मैंने बताया था आप लोगों को कि सिग्मा वॉन्डेड कंपाउंड्स और ऑलवेज हाईली स्टेबल कंपाउंड्स तो नॉर्मल ब्यूटेन फिर दूसरे में डबल बॉन्ड है तो इन लग गया एल्कीन का इन लगा ब्यूट टू इन और यहीं पे ट्रिपल बॉन्डिंग है तो एल्काइन हो गया ब्यूटाइन ब्यूट टू आइन ब्यूट टू आइन लीजिए अगला एग्जाम्पल स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का ही पेंटन ऑन जहाँ हम देख रहे हैं कि सेकेंड कार्बन एटम पे ही सेकेंड जो कार्बन है उसमें कीटोन मोइटी है तो ये क्या होगा पेंटे नॉन चूँकि ये चाहे नॉर्मल ब्यूटेन हो या ब्यूट टू इन हो या ब्यूट टू आइन हो या पेंटन ऑन हो दीज आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल चेन ओपन चेन कंपाउंड्स इसलिए हम इस कंपाउंड्स को कहते हैं ए साइकिल कंपाउंड्स और ओपन चेन कंपाउंड्स हैं वहीं जब हम बात करते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स की ए साइक्लिक कंपाउंड्स को हमने देखा कि दो टाइप्स में क्लासीफाई किया एक तो स्ट्रीट चेन और दूसरा ब्रांच चेन तो स्ट्रेट चेन में मैं देख लिया नॉर्मल ब्यूटेन एन ब्यूटाइन ये ब्यूट टू आइन और ब्यूट टू इन और पेंटानोन और द एग्जाम्पल्स और जब ब्रांच कंपाउंड चेन कंपाउंड्स की बात करते हैं इसी ए साइक्लिक कंपाउंड्स में तो ब्रांच में देख रहे हैं शाखा बन जाती है जिस तरह पेड़ में शाखाएं होती हैं तना मुख्य रूप से काम करता है तना और जड़ तो सेम इसटी इसमें देख रहे हैं फोर कार्बन एटम्स हैं लेकिन सेकेंड नंबर में कार्बन से एक मेथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है मीन्स एक कार्बन मेथाइल जो कार्बन एटम्स है एक कार्बन एटम है वो क्या है सेकेंड पोजीशन में ब्रांच का, का काम कर रही है तो टू मेथाइल प्रोपेन तीनों कार्बन एटम्स या फिर इसी टू मिथाइल प्रोपेन को हम क्या बोलते हैं आइसो प्यूटेन तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड यहाँ पे देखें हम ब्रांच चेन में ही तो देख रहे हैं कि चार कार्बन एटम्स हैं एक दो तीन चार पांच है और एक ही कार्बन पे दो मिथाइल सब्सटीट्यूशन है एक ही कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन है मीन्स दो कार्बन एटम्स अटैच है एक ही कार्बन से तो ये क्या हो जाएगा नियो क्या हो जाएगा नियो पेंटेन टोटल कार्बन फाइव और ये हो गया नियो पेंटेन और वहीं अगर न, सिंपल से नोमेंट क्लिचर करते हैं तो टू टू चूंकि कार्बन एटम पे ही है अटैच है दोनों मिथाइल ग्रुप तो टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन ठीक है टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन और सुनोने से नियो पेंटेन ओके यहीं पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ओपन चम कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं फर्दर सिंस द अर्लियर कंपाउंड ऑफ दिस क्लास वेयर ऑपटेन एदर फ्रॉम एनिमल्स और वेजिटेबल फैट्स एनिमल्स या वेजिटेबल फैट्स से ऑप्टेन होते हैं ओपन चेन कंपाउंड फर्दर जब हम आगे मूव करते हैं टूवर्ड्स साइकिल कंपाउंड मीन साइकिल फॉर्म में बताया था ना तो जब साइकिल फॉर्म में है इट मीन्स कोई ना कोई चीज किस फॉर्म में है क्लोज फॉर्म में है क्योंकि वो जहाँ से चालू होगा वो वहीं पे जाके खत्म होगा स्टार्टिंग टिल एंड एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे से क्या होगा जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे साइकिल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज क्लोज से कंपाउंड्स ठीक है तो इसमें क्या होता है दिस कंपाउंड्स कंटेन्स वन और मोर क्लोज चेन ऑफ रिंग्स ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स में एक या एक से अधिक चेन भी होती है इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जैसा कि विलियन में मैंने बताया था कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन्स रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स होमोसाइक्लिक में जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स शामिल हों एक ही प्रकार के एटम से मिलकर जो रिंग बनी हो उन्हें कहते हैं होमोसाइक्लिक होमो मीन्स सेम और होमोसाइक्लिक को फर्दर दो तरह से कैटेगराइज करते हैं एक एलिसाइक्लिक और दूसरा दूसरा जो क्लासिफाई करते हैं वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है जिसे हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं फर्दर इसका एग्जाम्पल देखेंगे एलिसाइक्लिक का तो तीन कार्बन एटम से मिलकर बना है वन टू थ्री दिस इज नोन एज ए साइक्लोप्रोपेन वहीं आप देख रहे हो कि छह है एक दो तीन चार पाँच छ तो साइक्लोहेक्सेन दिस वन इज अ साइक्लोब्यूटेन तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वहीं जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो एरोमेटिक एरोमेटिक ये फाइनली साइक्लिक अनसेचूरेटेड कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड शामिल होता है दूसरा बात यह होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं फर्दर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स एक है बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजोनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं कि कंपाउंड्स कंटेन्स वन और मोर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स मीन्स बेंजोनाइट एरो कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं कि बेसिकली उनमें एक या एक से अधिक आइसोलेटेड बेंजीन रिंग जो कि एक दूसरे से फ्यूज्ड होती हैं वो कहलाती हैं बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कैटेगराइज इनटू मोनोसाइक्लिक मोनोसाइकिल ट्राईसाइक्लिक एरोटिक मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम देख रहे हैं कि एक ही एरोमेटिक रिंग है और उनमें सब्सटीट्यूशन है एक साइकिल से बना हुआ है एरोमेटिक रिंग्स जो कि बेंजीन है पहला स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं टॉल्यून जिस इज टॉल्यून को ही हम किस नाम से जानते हैं मेथाइल बेंजीन वहीं जब दो मेथाइल वन और टू पोजीशन पे है तो दिस इज नोन से ऑर्थोजाइलिन थल बेंजीन और जब एक के बाद एक अल्टरनेट एक छोड़ करके एक हो तो दिस इज मेटाजाइलिन वन थ्री डाई मिथायल बेनजीन वन थ्री डाई मिथायल बेंजीन और पैराबेंजिन जब एक के ऊपर एक अप एंड डाउन अप एंड डाउन पैराजाइलिन वन फोर डाई मिथायल बेंजीन वहीं जब सिंपल सा बात करते हैं अगर एन एच टू लगा हो सी एस थ्री लगा तो, तो, तो टॉलियन दिस इज एनिलीन उन्होंने अमाइनो बैनजीन ओ एच लगा है अगर एक कार्बन सब्सटीट्यूशन से तो दिस इज उन्होंने से फिनॉल इट इज ऑल्सो उन्होंने से हाइड्रोक्सी बेनजीन क्योंकि हाइड्रोक्सी इज फंक्शनल ग्रुप बेंजर डिहाइड एल डिहाइड ग्रुप लगा है तो बेंजीन में बेंजर डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है एसिडिक फंक्शनल ग्रुप दिस इज नोन ऐस ए बेंजोइक एसिड जब हम बात करते हैं बाईसाइक्लिक और ट्राइसाइक्लिक की तो समझ में आ रहा है कि बाईसाइकिल मीन्स दो साइकिल एरोमेटिक साइकिल्स एक दूसरे से फ्यूज होंगी ट्राइसाइक्लिक नाम से समझ में आ रहा है तीन साइकिल जब जब फ्यूज होगी हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं नैफलिन नैफेलिन बॉल्स भी बनते हैं नैफलिन फ्यूज इन ए टॉयलेट तो दो एरोमेटिक रिंग्स दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से फ्यूज होने से मिलके बना है वहीं एंथ्रासीन कंसिस्ट ऑफ एंथ्री फ्यूज जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हुए हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो सेकेंड एरोमेटिक uh, रिंग से फ्यूज हो रहे हैं तो दिस इज नोन एज इज्रीन तो दिस इज बाईसाइक्लिक ट्राई एरोमेटिक कंपाउंड्स एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड तो हमने यहां देखा कि मोनोसाइक्लिक बाईसाइक्लिक ट्राई साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और एलिइक्लिक कंपाउंड्स फर्दर हम मूव करते हैं टूवर्ड्स चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम दो प्रकार से बांटते हैं एक बेंजियोनाइड और एक नॉन बेंजोनाइड बेंजोनाइड में हमने देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड या तो सिंगल होगा या फिर मोर देन टू टू और मोर देन टू फ्यूज एटम्स फ्यूज एटम्स उनको बोलेंगे बेंजोनाइड कंपाउंड्स नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स में जिसमें कि बेंजीन ना हो बेंजीन एब्सेंट हो एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉट कंटेन्स ए बजीन रेंग लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है बट इंस्टेंट कंटेंस हाईली अनसेचुरेटेड रिंग्स हाइली अनसेचुरेटेड रिंग्स जिसे कि बोलते हैं नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंडस नॉन बेजोनेट इधर एग्जाम्पल आ रहा है सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन कार्बन से मिल बने हैं तो दिस इज ए ट्रोपोलॉन और अगला वाला है एग्जाम्पल ऑफ एजुल यही जब बात करते हैं हम फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नाम से समझ में आ रहा है कि कंपाउंड्स कैसा है साइक्लिक है लेकिन क्या है इट कंटेन्स वन और मोर हेट्रो एटम्स इसमें एक या एक से अधिक हेट्रो एटम्स हुए हैं ऐसे कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं कहेंगे और हेट्रोसाइक्लिक में हेट्रो एटम्स क्या हो सकते हैं दिस कंपाउंड्स में बी एन ऑक्सीजन मे बी नाइट्रोजन मे बी सल्फर बोरोन सिल्कोन एक्सेट्रा हेड्रो एटम्स जब किसी साइकिल कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं ऐसे साइकिल कंपाउंडस हेट्रो साइक्लिक कंपाउंडस कहलाते हैं तो हेड्रो एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं कौन कौन से ऐटम्स हैड्रो एटम्स कहलाते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर सन मेरा बेटा बेटे को बहुत महत्व देते हैं सन एस ओ एन सन एस सल्फर ओ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सन एस सल्फर एंड नाइट्रोजन ओ ऑक्सीजन बी बोरऑन एस सिलिकॉन तो जब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की फर्दर क्लासिफिकेशंस करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक फर्दर कम क्लासीफाइड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक को ही हम एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं इट कंटेन्स वन और मोर हेट्रो एटम्स जैसा कि हम ये देख रहे हैं तीन कार्बन अगर होता तो प्रोपेन होता साइक्लोप्रोपेन लेकिन यहाँ पे बीच में एक कार्बन सब्सटीट्यूशन की जगह एक ऑक्सीजन आया है इथिलीन ऑक्साइड इथिलीन ऑक्साइड ठीक है बीच में ऑक्सीजन इथिलीन ऑक्साइड अगले वाले में देख रहे हैं कि एक दो तीन चार पाँच कार्बन होने चाहिए लेकिन एक कार्बन सब्सटीट्यूशन की जगह एक ऑक्सीजन है तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन टी एच एफ सिमिलरली टी एच एफ जैसा ही एस लगा है तो टेटरा हाइड्रोफ्यूरोन की जगह टेट्रा हाइड्रोथायोफीन एस सल्फ़र का थायो तो थायोफीन और अगर वहाँ पे ऑक्सीजन सल्फ़र की जगह नाइट्रोजन अटैच होगा तो पांच कार्बन की जगह पांचवें की जगह नाइट्रोजन अटैच है तो अगर हेटरो आइटम्स है नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं पायरोन उसे बोलते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें कि एक या एक से ज्यादा हेट्रो एटम्स प्रेजेंट हों तो हम देख रहे हैं पायरिडीन जिसमें एक नाइट्रोजन एटम है पायरोल जिसमें फाइव कार्बन चेन से मिलके बना है और उसमें एक नाइट्रोजन का सब्सटीट्यूशंस से दिस इज अ पायरोल वहीं पे अगर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन है दिस इज अ फ्यूरोन और सल्फर है तो थायोफीन मीन्स एरोमेटिक रिंग में नाइट्रोजन का हेट्रो एटम्स uh, प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलेंगे पायरेडीन वहीं फाइव एटम्स फाइव साइक्लिक एटम्स कार्बन एटम से मिलकर साइक्लिक कंपाउंड्स बनाए फाइव कार्बन एटम्स और एक सब्सिट्यूशन बाई नाइट्रोजन हाइड्रो एटम्स तो वहीं पे ऑक्सीजन इज फ्यूरोन और वहीं पे सल्फर को थायोफीन, इज इट क्लियर सो दिस इज फॉर टुडे, आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम आई सिस्टम ऑफ नोम क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी करेंगे विद दिस बेस्ट ऑफ लॉक, बेस्ट फिशेज थैंक यू